हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी बिरयानी, जिसके लिए हमने लिया है 1 केजी चिकन, 2 बड़े चम्मच नमक, उसके बाद हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ की प्याज, लहसुन लेंगे हम 4 से 5 कली, अदरक लिया हमने 1 टुकड़ा, काली मिर्च ली हमने 10 से 15 पीस, 3 लौंग लिया हमने, छोटी इलायची 3 ली है, बड़ी इलायची 2 लिया हमने, 1 चम्मच लिया हमने सौंफ, तेज़पत्ता लिया हमने 2, दालचीनी ली है 1। पानी हमने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक, खड़े मसाले सारे हम बॉईल करेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक को ऐड करने के बाद हम उसमें चिकन को डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम 50% बॉईल हो जाने के बाद हम गैस के फ्लेम को बंद करके निकाल लेंगे चिकन को। पानी को फेंकेंगे नहीं, हम साइड में रख देंगे छान के। अब हम बिरयानी बघारने के लिए रखेंगे 1 केजी चिकन हमने बॉईल करके रखा है, वो रख लिया है। हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 बड़े चम्मच, धनिया कटी हुई, अदरक कूटे हुए, नमक 1 चम्मच, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा लिया हमने 1 चम्मच पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च आधी चम्मच, बिरयानी मसाला 2 बड़े चम्मच। पतीली को हमने गर्म कर ली है, अब उसमें डाला है ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, टी इलायची, तेज़पत्ता। फिर हम उसे चला लेंगे। चलाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा भून लेंगे इसे 2 मिनट के लिए। फिर उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। भुनने के बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे नमक। नमक मिलाने के बाद फिर हम उसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी, फिर उसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। दो से तीन मिनट तक भूनने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले, फिर उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। फिर ऐड करेंगे धनिया, फिर उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम भूनेंगे उसे 5 से 7 मिनट। फिर हम उसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को मिलाने के बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर ऐड करेंगे पानी जो हमने चिकन बॉईल करके छान लिया था, अच्छे से चला लेंगे हम। हम बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। एक बॉईल आने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे चावल। अच्छी तरह से हम चला लेंगे। चलाने के बाद 10 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे उसे। 10 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं 70% चावल पक चुका है। अब उसे हम लो फ्लेम पे ढक के 10 मिनट दम पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन हमारा रेडी है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। मिलाने के बाद हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से हम ऐड करेंगे प्याज। गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक यू।